नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर टू की प्रॉब्लम ए ऑफ सेक्शन एच। तो इस वीडियो में हमें यूज़र से एक 5 डिजिट का नंबर लेना है और उसके बाद उस डिजिट उन डिजिट्स का सम हमको करके प्रिंट करवाना है। तो आइए पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो सपोज यूजर ने हमें एक 5 डिजिट का नंबर दिया 1 2 5 6 7। सपोज ये यूजर ने हमें नंबर दिया है तो इसमें 5 डिजिट्स हैं, कौन कौन सी, 7 6 5 2 और 1। और हमारा हमें प्रोग्राम लिखना है कि हम इन सभी डिजिट्स का सम दे सकें। तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा होगा इज इक्वल टू 1 + 2 + 5 + 6 + 7। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों, उसका सॉल्यूशन के लिए हमें इस नंबर की 5ों डिजिट अलग अलग करके निकालनी होंगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर का। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं किसी भी नंबर का मॉडुलस 10 करूँ, तो सपोज़ हमारा नंबर है n, और अगर मैं इसका मॉडुलस 10 करूं तो मुझे इस नंबर की लास्ट डिजिट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 1 2 5 6 7, तो अगर मैं 1 2 5 6 7 का मॉडुलस 10 करूंगा तो मुझे डिजिट मिल जाएगी 7। तो मेरी लास्ट डिजिट निकल गई। अब उसके बाद मुझे निकालनी है सेकंड लास्ट डिजिट जो कि है 6। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने नंबर का मॉडुलस 100 करूँगा। तो जब मैं अपने नंबर का यानी कि 1 2 5 6 7 का मॉडुलस 100 करूँगा तो मुझे मिलेगा लास्ट की 2 डिजिट जो कि है 67। और अब इस 67 को अगर मैं डिवाइड कर दूँगा 10 से तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 6। इसी तरह अगर मेरा नंबर है 1 2 5 6 7 और अब मुझे इसकी 3rd डिजिट निकालनी है, मतलब कि 5, तो मैं इसका मॉडुलस करूंगा 1000 के साथ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5 6 7। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5। तो इस तरह मैंने लास्ट की 3 डिजिट निकाल ली। सिमिलरली अब मैं इस नंबर को मॉडुलस कर दूंगा 10,000 से तो मुझे मिलेंगी लास्ट की 4 डिजिट जो कि हैं 2 5 6 7। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से तो मुझे मिलेगा 2। फाइनली अगर मैं अपने नंबर को डिवाइड कर दूंगा 10,000 से तो मुझे लास्ट में मिलेगा 1। तो इसी लॉजिक को अब हम कोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई ये 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सभी डिजिट्स को सेव करने के लिए। उसके बाद एन में हम सेव करेंगे जो यूज़र इनपुट करेगा नंबर उसको, और एस में हम स्टोर करेंगे सम। तो हमने यूज़र से कहा कि भाई एक 5 डिजिट का नंबर एंटर करो, और यहाँ एस टी डी एन में हमने वो नंबर इनपुट करवाया 13245, और उसको हम सेव कर लेंगे एन में। उसके बाद हम वैलिडेट करेंगे कि जो यूज़र ने एंटर किया है इनपुट हमने वही सेव किया है प्रॉपरली। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने परसेंटाइल डी का यूज़ किया है क्योंकि ये सभी वेरिएबल इंटीजर हैं, और क्योंकि ये सभी वेरिएबल इंटीजर हैं इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा। क्योंकि सपोज हमारा ये नंबर था 1 2 5 6 7, और जब हमने 1 2 5 6 7 को अगर सपोज़ करिए हमने 100 से डिवाइड किया
तो हमारा आउटपुट एक्चुअली में आना चाहिए 125.67, बट क्योंकि हमने एक डेसिमल इंटीजर लिया है, क्योंकि हमने एक डेसिमल लिया है, डेसिमल टाइप का वेरिएबल लिया है, इसलिए जब हम इसको सेव करेंगे तो पॉइंट के बाद के जो जो भी डिजिट्स हैं वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएंगी और सिर्फ 125 सेव होगा। इसीलिए यहाँ पर इंटीजर लेना ज़रूरी है, अगर हम फ्लोट लेंगे तो ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। अब हम अपना लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक में मैंने आपको पहले बता ही दिया कि हम सारी डिजिट कैलकुलेट करेंगे, तो सारी डिजिट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी मैंने आपको बताया ही कि लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम मॉडुलस 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट कैलकुलेट हो जाएगी, फिर सेकंड लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए 100 का मॉडुलस और 10 से डिवाइड, फिर थर्ड डिजिट के लिए ये, सेकंड डिजिट के लिए, और फाइनली फर्स्ट डिजिट के लिए वी विल जस्ट डिवाइड बाई 10,000। बस अब हमारे पास सारी डिजिट्स आ गई हैं और हमें सिंपली उनका सम कर देना है और फाइनली आउटपुट प्रिंट कर देना है। आउटपुट में हमने किया सम इज परसेंटाइल डी बिकॉज इट इज़ एन इंटीजर एंड देन सम। और हम इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। यूजर ने इनपुट किया 13245 और अगर हम इन डिजिट्स का सम करें तो हमें सम मिलता है 15। तो दोस्तों, इस बुक में हमने शुरुआत की है चैप्टर 2 सॉल्व करने की और हमने सॉल्व की है सेक्शन एच की प्रॉब्लम ए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की सेक्शन एच की प्रॉब्लम बी। जुड़े रहें मेरे साथ, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।